फिल्म अभिनेता संजय दत्त की जिंदगी में फिर 30 दिनों की चांदनी। पैरोल पर जेल से आजाद होंगे मुन्ना भाई, थोड़ी देर में रवाना होंगे मुंबई। मान्यता के ऑपरेशन के लिए संजय दत्त को मिला है पैरोल। प्रशासन ने डॉक्टर से मांगी थी रिपोर्ट, इसी महीने तय है मुन्ना भाई की पत्नी की सर्जरी। संजय दत्त के पैरोल पर खड़े हुए सवाल, सीपीआई ने उठाए सवाल, दूसरे कैदियों को क्यों नहीं मिलती इतनी छूट। संजय दत्त के पैरोल पर उठे सवाल, पूर्व आईपीएस अधिकारी वाईपी सिंह का आरोप, प्रशासन ने नियमों की अनदेखी की। संजय दत्त के पैरोल का विरोध, पुणे में यरवड़ा जेल के बाहर आरबीआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। तेजपाल केस में तफ्तीश तेज, गोवा पहुंची शोमा चौधरी, मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराएंगे तहलका की पूर्व मैनेजिंग एडिटर। गोवा पुलिस ने तरुण तेजपाल को अदालत में किया पेश, खत्म हो रही है पुलिस हिरासत, अदालत ने 6 दिनों के लिए भेजा था कस्टडी में। पीड़ित लड़की के 3 सहयोगियों का बयान दर्ज, पीड़ित ने 3 को दी थी घटना की जानकारी, मैजिस्ट्रेट के सामने हुई रिकॉर्डिंग। जस्टिस गांगुली के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, सुषमा स्वराज ने फिर मांगा इस्तीफा, बोली संसद में उठाएंगे मुद्दा। जस्टिस गांगुली की बढ़ सकती है मुश्किलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा, कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। मुंबई में चलती लोकल में फायरिंग, एक सरफरे यात्री ने चलाई 2 गोलियां, एक मुसाफिर घायल। नाहर स्टेशन पर हुई वारदात, सीट को लेकर हुआ था झगड़ा, सीएसटी से अंबरनाथ जा रही थी लोकल ट्रेन। घायल मुसाफिर ने दादर से पकड़ी ट्रेन, धीरे धीरे 4 लोगों के बीच बढ़ा झगड़ा, फिलहाल खतरे से बाहर है घायल मुसाफिर। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों के डर से गैंगरेप, पीड़ित परिवार ने छोड़ा गांव, भाई के एक्सीडेंट की खबर बताकर पीड़ित से किया था गैंगरेप। दबंगों के खौफ से पीड़ित परिवार ने बच्चों को स्कूल भेजना किया बंद, कहा अगवा हो सकते हैं बच्चे, पुलिस पर लगाया दबंगों का साथ देने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के पिता को पीट पीट कर मार डाला, लड़की के 2 चाचाओं की भी जमकर पिटाई। मुरादाबाद पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल, पहले मामले को दबाने की कोशिश की, मामला बढ़ने पर आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। 11वीं की छात्रा से हुई छेड़खानी, कॉलेज से घर वापस लौट रही थी पीड़ित, जिम मालिक पर छेड़खानी का आरोप। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के ज्वाइंट डायरेक्टर पर छेड़खानी का आरोप, महिला प्रोफेसर ने पुलिस में की शिकायत, 4 साल पुराना है मामला। गाजियाबाद में मुआवजे की रकम के लिए रिश्तों का कत्ल, भाड़े के हथियारों से पिता और सौतेली मां का मर्डर करवाया। यूपी के बिजनौर में सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही, खुले आसमान के नीचे परिजनों के सामने किया पोस्टमार्टम। नारायण साईं के साथ आज भी जारी रहेगी पूछताछ, सूरत पुलिस कर रही है रेप के मामले में तफ्तीश। पुलिस पूछताछ में नारायण साईं बहा रहा है आंसू, पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले 58 दिनों में वो 15 से 20 दिन गुजरात में रहा। नारायण साईं का सहयोगी हनुमान उर्फ कौशल ठाकुर हुआ बीमार, पुलिस पूछताछ में चक्कर आने के बाद अस्पताल में किया गया भर्ती। विशाखापट्टनम में यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के समर्थन में बंद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
कल 5 विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे सामने। चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा, अंतिम रूप दे रहा है तैयारियों को, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चुनाव के नतीजों से पहले शीला दीक्षित ने भरा दम, कहा मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा। लोगों ने अपना वोट डाल दिया है, हमने उससे पहले काम किया, असेस करके अच्छे से अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट दिए। 15 साल का काम और भविष्य में क्या होना चाहिए दिल्ली, उसका सारा तस्वीर खींची। बीजेपी नेता अजय गोयल ने भी खोले अपने पत्ते, कहा खुले हैं बीजेपी के विकल्प, बीजेपी के लिए कोई भी पार्टी नहीं अछूत। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी जताई अपनी जीत की उम्मीद, कहा दिल्ली में बीजेपी अकेले दम पर बनाएगी सरकार। चुनाव आयोग ने दिया अरविंद केजरीवाल को पार्टी को नोटिस, जंतर मंतर पर हुए म्यूजिकल शो में मांगा हिसाब। राजस्थान के चुनाव नतीजों से पहले बढ़ी बाकियों और निर्दलियों की पूछ, कांग्रेस बीजेपी के नेता संपर्क साधने में लगे। कांग्रेस और बीजेपी को त्रिशंकु विधानसभा का डर, जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों को जयपुर लाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम। 4 राज्यों में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद गुजरात पहुंचे नरेंद्र मोदी, हेल्दी गुजरात कार्यक्रम में लिया हिस्सा। चलो एक नवो पेशन पड़ी जो लगातार प्रवास ने भाषणों ने कारण आवाज मारो काम नहीं करतो, अने डॉक्टरों सलाह आपता हुआ है कि शरीर नो हद करता बतारे उपयोग समस्याओं नो उतरता हुआ है। शंकर सिंह वाघेला के घर पहुंचे नरेंद्र मोदी, वाघेला की पोती की शादी में हुए शरीक। तेलंगाना के मुद्दे पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी ने कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा, कहा आंध्र पर कैबिनेट के फैसले से हैं दुखी। चीनी मिल मालिकों को कृषि मंत्री शरद पवार का तोहफा, किसानों का बकाया चुकाने के लिए मिलेगा बिना ब्याज का लोन। नक्सलियों के निशाने पर सुशील मोदी और बिहार बीजेपी के दूसरे नेता, झारखंड के लातेहार में पोस्टर चिपकाकर दी धमकी। शांति निकेतन के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, छात्रों को बांटी डिग्रियां। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दर्दनाक कार दुर्घटना, ड्राइवर सहित कार सवार दूसरे शख्स की भी मौत। पहाड़ी रास्ते से 300 फीट नीचे खाई में गिरी कार, गाड़ी के उड़े पर खचे। हरियाणा के बल्लभगढ़ में मिठाई की दुकान में स्वास्थ्य विभाग की छापामारी, शादी समारोह में खाना खाने से 200 लोगों के बीमार होने की मिली थी शिकायत। खुद को भारतीय मानते हैं बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा, दिल्ली के बसंत वैली स्कूल के एक कार्यक्रम में बच्चों को दिए अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़े रहने के मंत्र। वर्ल्ड स्कूल गेम्स ओलंपिक्स में 5 पदक जीतकर लौटी भारतीय टीम, अपनी धरती पर विजेताओं का हुआ शानदार स्वागत। भारत दौरे पर आई पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रबानी खार ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में टेका माथा, कहा यहां आना एक सुखद एहसास। नेल्सन मंडेला के निधन पर दक्षिण अफ्रीका में 10 दिनों का राजकीय शोक, 15 दिसंबर को हो सकता है अंतिम संस्कार। पूर्वी केपटाउन में मंडेला के गांव कूनो में मातम, लोगों ने रंगभेद के खिलाफ जंग के सबसे बड़े हीरो को कहा अलविदा, मंडेला के अंतिम संस्कार में जुटेंगी दुनिया भर की हस्तियां। पूर्वी इंग्लैंड में भीषण तूफान, नॉरफोक के हैम्सी में तबाही का खौफनाक मंजर। ब्रिटेन के साथ उत्तरी यूरोप भी आया चपेट में, तूफान की वजह से उठी आसमानी लहरें। मिस्र के गीजा में मुस्लिम ब्रदरहुड समर्थकों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, पुलिस के मददगारों ने फेंके पत्थर।